बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम की पैड़ी पर आदिपुरुष फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से विरोध के स्वर ऊंचे ही होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य और रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने इसको लेकर अधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की। विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि आदिपुरुष फिल्म के निर्माता निर्देशक को फिल्म को लेकर आपत्तियों को दूर करने के लिए पत्र भेजे जाएंगे। यह पत्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से भेजा जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मिलने के लिए समय देने को लेकर भी पत्र भेजा जाएगा। मुलाकात के दौरान उनसे इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड की तरह एक बोर्ड भी बनाया जाए, जिसमें हर धर्म के स्कॉलर को जगह दी जाए। यह बोर्ड धार्मिक फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक को फिल्म को लेकर वेशभूषा और धार्मिक भावनाओं को लेकर सुझाव देगा, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत ना हो सके और फिल्म बनने के बाद किसी भी प्रकार की विवाद से बचा जा सके। अनूप चौधरी ने कहा कि अब हमारे आराध्य के ऊपर कोई निर्माता निर्देशक फिल्म बनाता है तो उसको भी यह बात पूछ लेना चाहिए कि दिखाना क्या चाहता है। जिस तरह से आदिपुरुष में उन्होंने बड़े फिल्म अभिनेता में प्रभास जी मुझे लगाए बड़ी बड़ी और वन में चप्पल पहने हुए हैं, चमड़े का बहुत तरीके से जो भगवान राम का स्वरूप है, माता सीता का जो स्वरूप है, वस्त्र है, चाहे वह जो पीताम्बर वस्त्र उन्होंने वन में पहन कर रखा था, नंगे पैर थे, वह तो टोटल गलत दिखाने का काम किया जा रहा है। इस फिल्म में यह फिल्म अभी आई नहीं है, टीजर और पोस्टर आया है, इसका उसी से पता चल जाता है कि यह देश के में माहौल खराब करने का कार्य कर रहा है। रिपीट, यह देश में माहौल खराब करने का कार्य कर रहा है। होता है, मन के बाद बैन होती है, काट दिया जाता है, नुकसान कोई नहीं होता।